हे गाइज, स्वागत है आपका। गाइज, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्यात्मक रेलवे स्टेशन इमारतों में से एक है, जिसका उपयोग प्रतिदिन मिलियन में आदमी यात्री करते हैं। यह केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। यह इमारत भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है, जिसके हर कोने में इतिहास की कहानियां छिपी हुई है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए यह ब्लॉग आप अंत तक देखें। इस ब्लॉग के माध्यम से आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के इतिहास, वास्तुकला और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानने को मिलेगा। गाइज, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, मुंबई के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसका निर्माण 1887 में ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस द्वारा किया गया था। विक्टोरिया गोथिक शैली में बना यह स्टेशन भारतीय वास्तुकला के तत्वों का मिश्रण है और अपने इसी भव्य वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वही इसी के चलते 1996 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस ऐतिहासिक इमारत का इतिहास। गाइज, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का निर्माण 1878 में शुरू हुआ था और 1887 में पूरा हुआ। इस भव्य बिल्डिंग का डिजाइन आर्किटेक्ट फ्रेडरिक स्टीवेंस द्वारा तैयार किया गया था। पूरा होने के बाद इस स्टेशन का नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया, लेकिन 1996 में स्टेशन का नाम बदल दिया गया। इसे विक्टोरिया टर्मिनस से बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि है। वहीं इसके बाद 2004 में यूनेस्को ने इस भवन को विश्व विरासत की सूची में स्थान दिया। गाइज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, अपनी भव्य वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी वास्तुकला आश्चर्यजनक है। बता दें कि इस खूबसूरत बिल्डिंग का डिजाइन आर्किटेक्ट फ्रेडरिक स्टीवेंस ने तैयार किया, जिसे बनने में एक दशक का समय लगा था। इस इमारत के ऊंचे मेहराब, नुकीले टावर और गुंबद और जटिल पत्थर की नक्काशी एक भव्य यूरोपीय महल जैसा एहसास दिलाती है। इसके अलावा यहाँ मौजूद गुंबद को ऊपर उठाते हुए एक बड़ी मूर्ति है, जो प्रगति की देवी को दर्शाती है। वहीं स्टेशन भर में पत्थर की नक्काशी देख सकते हैं, जिसमें भारतीय पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। इन सब के अलावा यहाँ मौजूद रंगीन कांच की खिड़कियाँ विभिन्न पैटर्न और कहानियों को चित्रित करती है। गाइज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि अभी तक भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 33 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। यह भी बता दें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया में सबसे पहले 1983 में अजंता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ, ताजमहल और आगरा के किले को शामिल किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे कई स्थल जुड़ते चले गए। वहीं हाल में ही शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। गाइज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में रोचक तथ्य कुछ इस प्रकार है। यह स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो हर दिन लगभग 3 लाख यात्रियों की सेवा करता है। ऐतिहासिक इमारत ताजमहल के बाद यह स्टेशन भारत का दूसरा सबसे अधिक फोटो खींचने वाला स्मारक है। यह 18 प्लेटफॉर्मों के साथ 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह स्टेशन मुंबई शहर का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क होने के साथ साथ शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक का प्रतीक भी माना जाता है। यह स्टेशन भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से जुड़ी सभी जानकारी इस ब्लॉग में मिल गई होगी। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।